नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे बने श्री गणेश एक दंत। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश एक दंत हैं, अर्थात उनका एक दांत टूटा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों श्री गणेश का एक दांत टूट गया? इस विषय में हमें पुराणों से कई वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ कथाएं सुनी हुई हैं, किंतु कुछ ऐसी भी हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्री गणेश के दांत टूटने के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा वो है उनका भगवान परशुराम से युद्ध। इस कथा का वर्णन हमें गणेश पुराण से मिलता है। कथा के अनुसार जब परशुराम जी ने कर्तवीर अर्जुन का वध किया तो उसके बाद वे महादेव के दर्शन हेतु कैलाश आए। शस्त्र अर्जुन का वध करने के कारण उस समय तक परशुराम जी के मन बड़ा क्रोध था। जब वे माता पार्वती महादेव के दर्शनों को कैलाश पहुंचे तो उस समय दोनों अपने कक्ष में थे। कक्ष के बाहर श्री गणेश द्वारपाल के रूप में खड़े थे। तब परशुराम जी ने श्री गणेश जी से भोलेनाथ को उनके आगमन की सूचना देने को कहा, किंतु श्री गणेश ने उनसे दोनों की विश्राम तक प्रतीक्षा करने को कहा। परशुराम जी ने बार बार आग्रह किया, श्री गणेश जी नहीं माने। तब गणपति के इस हाथ से जमदग्नि का क्रोध बढ़ गया और उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। दोनों बहुत देर तक भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते रहे, किंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में कोई और उपाय न देखकर परशुराम जी ने श्री गणेश पर अपना अमोघ परशु चला दिया। चूंकि उन्हें वो परशु स्वयं महादेव ने दिया था, इसलिए श्री गणेश ने उसका कोई विरोध नहीं किया और उसके प्रहार से उसका एक दांत टूट गया। उधर कोलाहल बढ़ते देख माता और महादेव कक्ष से बाहर आए। जब माता ने श्री गणेश को आहत देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उधर श्री गणेश की ऐसी दशा देख माता का क्रोध बढ़ता देख परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता से बार बार क्षमा मांगी। तब महादेव ने माता से उन्हें क्षमा कर देने को कहा, क्योंकि वो भी उनके पुत्र के समान ही थे। क्षमादान पाने के पश्चात परशुराम जी ने प्रसन्न होकर श्री गणेश को एक दंत नाम दिया। साथ ही उन्होंने अपनी समस्त युद्ध विद्या भी उन्हें प्रदान की। इस कथा के अतिरिक्त जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो महाभारत से जुड़ी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, किंतु उसे लिखा था श्री गणेश जी ने। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा और महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना पर श्री गणेश महाभारत को लिखने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि एक बार उन्होंने लिखना आरम्भ किया तो ग्रंथ के समाप्त होने तक रुकेंगे नहीं। यदि महर्षि व्यास के श्लोक समाप्त हुए तो वे ग्रंथ वहीं रोक देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रख दी कि वे श्लोकों को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखें। अब महाभारत की अनवरत लिखनी आरंभ हुई, किंतु श्री गणेश की लिखने की गति इतनी अधिक थी कि बार बार कलम टूट जाती। इससे उनके द्वारा लगाए गए शर्त में ही व्यवधान उत्पन्न होने लगा। इस बार बार की दिक्कत से बचने के लिए श्री गणेश ने स्वयं अपना एक दांत तोड़ लिया, फिर उसी से संपूर्ण महाभारत की लिखनी संपन्न हुई। इस विषय में एक कथा हमें भविष्य पुराण में भी मिलती है। उसके अनुसार एक बार भगवान कार्तिकेय स्त्री और पुरुषों के उत्तम लक्षणों पर एक ग्रंथ लिख रहे थे। उस समय खेल खेल में श्री गणेश अपने बड़े भाई को बार बार परेशान कर रहे थे, जिससे उनकी एकाग्रता भंग होने लगी। तब चिढ़कर कार्तिकेय जी ने श्री गणेश का एक दांत तोड़ दिया। जब महादेव को इस विषय में पता चला तो उन्होंने उस दांत को श्री गणेश को लौटाने को बोला। तब कार्तिकेय जी ने उन्हें वो दांत तो लौटा दिया, किंतु एक शर्त दी, उन्हें सदैव उस दांत को अपने पास रखना होगा। तभी से श्री गणेश अपने एक हाथ में वो दांत धारण करने लगे। आपने भी गणेश जी की मूर्ति में उन्हें अपना एक दांत पकड़े अवश्य देखा होगा। कालांतर में उसी दांत से श्री गणेश ने महाभारत काव्य को पूर्ण किया। इस संदर्भ में हमें एक कथा श्री गणेश और चंद्रदेव की भी मिलती है। कथा के अनुसार एक बार श्री गणेश भोजन कर अपने वाहन मूषक पर कैलाश भ्रमण को निकले। मूषक तीव्र गति से जा रहा था कि मार्ग में एक सर्प आ गया। उसे देख
मूसक डर गया, अचानक ही रुक गया। इस पर श्री गणेश अपने वाहन से नीचे आ गिरे। यह देख स्वर्ग से चंद्रदेव जोर जोर से हंस पड़े। उधर जब श्री गणेश संभले तो सबसे पहले उन्होंने एक सर्प को एक कमरधनी की भांति अपने कमर में बांध लिया। फिर चंद्रदेव को हंसते देख उन्होंने क्रोध में आकर अपना एक दांत तोड़ा, उससे चंद्र पर प्रहार किया। उसी प्रहार से चंद्रदेव पर कलंक पड़ गया। वास्तव में चंद्र को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। उसी को तोड़ने के लिए श्री गणेश ने उन्हें कांतिहीन हो जाने का श्राप दिया था। बाद में महादेव की कृपा से उस चंद्र को श्राप से मुक्ति मिली। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।